welcome back to my channel and a very very good morning to all of you. तो आज है Saturday 25th of July. तो आज morning से ही weather काफी ज्यादा cloudy है. Weather एक ऐसी चीज है जो हमारे life में काफी ज्यादा impactful होती है. सच में weather के साथ साथ हमारा mood भी कई time पे fluctuate होता है. जब बाहर sunshine होती है, sunlight होती है, तब एक अलग से एनर्जी, एक अलग सी फ्रेशनेस फील होती है. सिमिलरली जब वेदर क्लाउडी होता है या फिर थोड़ा सा डल या ग्लूमी रहता है, उस हिसाब से हमारे बिहेवियर में, हमारे डेली एक्टिविटीज में भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता ही है. कितना अच्छा वेदर है ना रोहन बाहर? नहीं, हम अच्छा नहीं है वेदर, हम क्योंकि मैं बाहर खेलने नहीं पा रही हूँ. बाहर खेलने नहीं पा रहे हो? मैं रोहन से बोल रही हूँ कि आज का वेदर इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा मतलब क्लाउडी हो गया है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो अच्छा लगता है ऐसा वेदर. लेकिन उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. तो अभी बस उनका डेली रूटीन बन गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग वो खेलने जाए बाहर और बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं फ्रेंड्स में, है ना? हाँ, न्यू फ्रेंड्स बने हैं तो सभी बहुत खुश है. तो लेकिन आज यहाँ पे वेदर का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है. मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, है ना? और यूके का वेदर वैसे भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है. लास्ट वीक तो काफी सनलाइट थी, बहुत अच्छा वेदर था, लेकिन अभी फिर से वही क्लाउडी और ग्लूमी. कोई बात नहीं, देखते कल कैसा रहता है, तो फिर कल जाओगे, ठीक है ना? आज तो शायद बारिश होगी, आज फोरकास्ट में है कि यहाँ पे बारिश होगी. तो आज ब्रेकफास्ट में हुआ है पोहा, जो ऑल टाइम फेवरेट है, सबसे ज्यादा क्विक, इजी और यमी, हेल्दी कुछ भी हम बोल सकते हैं, ऐसा एक ब्रेकफास्ट है. जब ज्यादा कुछ बनाने का मन ना करे तो हमारे लिस्ट में तो होता ही है पोहा या उपमा या पोहे का स्वीट पुलाव. तो ये सारे डिशेस सीरियसली ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, चाहे वो स्नैक्स में हो या ब्रेकफास्ट में हो, बहुत ही अच्छा लगता है. खाना चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन उसमें अपनी खुशी या फिर अपनी हैप्पीनेस का थोड़ा बहुत टच अगर हम दे दे तो वो भी काफी ज्यादा स्पेशल बन जाती है. और यहाँ पे रोहन ने ब्रश भी कर ली और उसका नहाना भी हो गया है. ये हैबिट बहुत पहले से है उसकी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह नहा धो के जाते हैं, तो वो हैबिट रह जाती है और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती. तो वो खुद ही बोलता है कि मुझे अभी शावर ले लेनी है, क्योंकि उसे काफी फ्रेश फील होता है सुबह सुबह अगर नहा लो. Thank you.
गुड। फाइनली वो गया बाहर। अब थोड़ा सा वेदर ठीक हो रहा है, पहले से थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। वैसे इवनिंग टाइम पे है कि बारिश होगी, तो देखते हैं अब फ्रेंड्स आते हैं कि नहीं। सैटरडे लंच मीन्स हमारा वेज लंच होता है। सैटरडे को हम हमेशा से वेज खाते हैं, तो इसलिए वेज में थोड़ा सा अगर स्पेशल हो तो बस क्या बात है। तो मैंने बनाया है येलो स्वीट पुलाव और साथ में पनीर की एक बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी मैंने ट्राई की है। बारिश हो सकती है, मैं ये अंदर लेके रख देती हूँ। तो पुलाव बनाना मेरा हो गया है, तो अभी मैं पनीर बना लेती हूँ। तो पनीर के लिए मैंने यहाँ पे पनीर को ऐसे ट्रायंगुलर शेप्स में मैंने कट कर लिए हैं, और किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बस ये अपनी अपनी चॉइस है। तो पनीर को फ्राई करने के बाद, जो हमेशा से मैं करती हूँ, ल्यूक वार्म वाटर में पनीर को कुछ देर तक भिगो के रखना, इससे पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। अभी मैं करूँगी ग्रेवी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, अदरक और साथ में गरम मसाला। तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसको ठंडा करके इसका मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इनके कलर थोड़ा सा चेंज हो इनिशियली, उसके उतना ही हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि ये जल्दी कुक हो। यहाँ पे फ्राई हो चुका है, मैंने इसको साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने खसखस और सौंफ को भिगो के रखा था, तो इसका भी मैं एक पेस्ट बना लूंगी। सौंफ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज्यादा।
तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, उसको भी मैं उस पेस्ट में दे दूंगी और जिस पानी में मैंने सौंफ और खसखस को भिगो के रखा था उसी पानी को देके मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। तो अभी फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा और ऑयल देके जो ऑनियन जिंजर और गरम मसाला का पेस्ट मैंने बनाया था सिर्फ उसको मैंने दे दिया और बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दिया है, हल्दी का यूज़ मैंने नहीं किया है। मसाले को बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। जब देखेंगे इस मसाले से ऑयल रिलीज हो रहा है उसके बाद ही जो हमने खसखस नारियल और सौंफ का हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर से उसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, क्योंकि जब तक खसखस और नारियल का एक कच्चा फ्लेवर ना चला जाए तब तक हमें उसे अच्छी तरह से भूनना है। धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे कि कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। उसके बाद जो मिक्सर ग्राइंडर में जो मसाले लगे रहते हैं उसी में मैंने पानी देके मसाले में दे दिया है और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। फिर से मैंने मसाले को बहुत अच्छे तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल रिलीज हो रहा है। उसके बाद जिस पानी में मैंने पनीर को भिगो के रखा था वही पानी मैंने ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए और कुछ देर तक इसको ढक के कुक करना है। जब देखेंगे कि इससे ऊपर से ऑयल रिलीज हो रहा है क्योंकि कोकोनट का खुद का है एक अलग से ऑयल रहता है, जब हम देखेंगे कि ऑयल का लेयर ऊपर से आ रहा है उसके बाद जो पनीर हमने फ्राई करके रखे थे वो पनीर हम ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको एक मिक्स दे देंगे। थोड़ा सा जो बचा हुआ पानी था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और फिर पनीर देने के बाद फिर से हम इसको ढक के कुछ देर तक अच्छी तरह से कुक करेंगे। टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे सच में टेस्ट अच्छा एनहांस होता है। इसके बाद मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दिया है, अगर आप चाहे तो आप ग्रीन चिली को स्लिट करके भी दे सकते हैं लेकिन तीखा होने के कारण मैं नहीं देती हूँ ऐसे। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। हस्बैंड पिछले दिन ग्रॉसरी शॉपिंग करके लाए थे तो ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि जिस दिन शॉपिंग होती है उस दिन हम चीज़ों को टच नहीं करते तो सीधा हस्बैंड जाके ही बालकनी में रख के आते हैं वो सारा सामान, तो एटलीस्ट 24 आवर्स तक वो बाहर ही रहता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें फ्रिज में रखने की होती है वो हम फ्रिज में उसी मोमेंट पे मैं अच्छे से धो के वो रख देती हूँ। तो अभी वही ग्रॉसरी को अभी धोना है तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ग्रॉसरी किस तरह से धोती हूँ। तो जो सामान पैकेट्स में होते हैं उसको मैं सैनिटाइज कर लेती हूँ, उसके बाद एक कॉटन के कपड़े को या टॉवल जो भी है उसको अच्छे से धो के मैं वाइप कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। मैं पहले ऐसे करती थी कि स्पिनैच जो पालक होते थे उसको खोल के मैं धोती थी, ऐसे करने से दो बार स्पिनैच खराब हो गए
और एक बार मैंने पैकेट को भी ऊपर से पानी से धोया था लेकिन उससे भी ख़राब हो गए। उसके बाद से मैं पैकेट को ही सैनिटाइज करती हूँ और ऑब्वियसली कुकिंग के टाइम पे तो हम धो लेते ही है, तो वैसा ही मैं करती हूँ। और बाकी नॉर्मल वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको मैं खोल के अच्छे से फ्लोइंग वाटर में धोती हूँ। इनिशियली मैं एक गमले में सारे सब्जी को दे के उसमें थोड़ा सा नमक दे के धोती थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं पे पढ़ा है कि वेजिटेबल्स को अगर हम फ्लोइंग वाटर में धोए तो वो बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, तो तब से मैं वैसा ही करती हूँ, तो तब से मैं इसी प्रोसेस में ही धोती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक बेडशीट बिछा के रखी है जहाँ पे मैं सारे वेजिटेबल्स को धोने के बाद सूखने के लिए देती हूँ। ये भी एक रात तक सूख जाते हैं और नेक्स्ट डे मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। आलू को मैं धोने के बाद और एक टॉवल से बहुत अच्छी तरह से इसके पोंछ के रखती हूँ, नहीं तो ये भी मैंने नोटिस किया था कई कई आलू ऐसे होते हैं कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, तब से आलू और प्याज को मैं पोंछ के रख देती हूँ। यह है हमारा इवनिंग स्नैक्स जो है मुरमुरे, और बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही फेवरेट एक स्नैक्स है हमारे घर में। बस अभी थोड़ा सा मूवी टाइम चल रहा था, स्पेशली सैटरडे रोहन के लिए डेडिकेटेड रहता है। सैटरडे को उसके पसंद की एक मूवी हम देखते हैं बैठ के, बच्चों की जो एनिमेटेड मूवीज होती है, तो बस वही देख रही थी। और आज उसके पापा बहुत ज्यादा बिजी है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बस हम दोनों बैठ के ही देख रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में अगर आप चाहे तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में। आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।